वो क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं उसको? जब पटना में एक बाप अपने बिटिया के साथ हुए अन्याय का न्याय मांगने नीतीश कुमार के दरवाजे पर जाते हैं तो वहां से गुजरने वाले लोगों की आंखें नम हो गई। लेकिन सुशासन के लाचार व्यवस्था और पटना पुलिस के कानून अपने आप में हैवानियत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। एबी न्यूज के साथ मैं दिवाकर पांडे। दरअसल सीएम आवास के बाहर जब लाचार बाप चीख चीख कर 8 साल की बेटी के साथ हुए दुर्व्यवहार और बर्बर मर्डर की कहानी सुना रहा था तो आम आदमी के दिल से दया का दीपक जरूर जग गया। लेकिन बताया जा रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाले महाराज अपनी आंखें सफेद कर काफिले पर सवार होकर पीड़ित परिवार के सामने से गुजर गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सुशासन के बहादुर पुलिसकर्मी बेबस पिता के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। न्याय दिलाने के बदले अन्याय का तमगा सिर पर ओढ़ा कर थाने में बंद कर देते हैं। जिस बच्ची का पिता शनिवार को पटना में सीएम हाउस के सामने चीख रहा था उसकी कहानी रूह को कपा देंगी। होली के दिन बांका के चांदन थाना क्षेत्र में एक 8 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया जाता है। मासूम बच्ची के साथ गैंग रेप करने के बाद उसकी दोनों आंखें फोड़ दी जाती हैं, फिर उसका मर्डर करके नाले में फेंक दिया जाता है। बच्ची होली देखने के लिए अपने घर से निकली हुई थी। सीएम हाउस के बाहर जब उस बच्ची के पिता एक महिला समाज सेविका के साथ पहुंचते हैं तो बच्ची के पिता का कहना था कि पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के बजाय उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। वे बार बार बिहार के मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम मांग रहे हैं। नीतीश कुमार को उनकी पुलिस की हैवानियत की जानकारी देना चाहते हैं लेकिन सीएम टाइम नहीं दे रहे हैं, इसलिए वह आज सीएम हाउस के बाहर आए हैं।